अगर यज्ञ करना पवित्र ही होता होता तो राम ने बंदरों से क्यों कहा कि मेघनाद का यज्ञ बिगाड़ो जाके। रावण ने यज्ञ विध्वंस किए, लेकिन आप रामचरितमानस पढ़ोगे तो आप देखेंगे कि राम ने भी यज्ञ विध्वंस के आदेश दिए। विभीषण कहता है फिर ये जीता नहीं जा सकता, इसका यज्ञ बिगाड़ो जाके। यज्ञ करना यज्ञ नहीं होता, यज्ञ में जनहित कितना है। आप जनहित के लिए यज्ञ कर रहे हैं कि व्यक्तिगत उदर पूर्ति के लिए यज्ञ कर रहे हैं। आपके यज्ञ का विधान क्या है, राजसी है कि तामसी है कि सात्विक है। दुनिया में ऐसा कोई धर्म नहीं जिसमें पाप की विषमतम संभावना है ना, लेकिन सिर्फ एक साधना का रास्ता ऐसा खुला है जिसमें अधर्म होने की संभावना नहीं है। न गुरु रहने की संभावना है, न बिगड़ने की संभावना है, और वो है भगवान का नाम कीर्तन। चाहे हरि शरण बोलो, चाहे हरे नमः बोलो, चाहे नारायण बोलो, ना मन लगे तो बोलो। और नाम जादूगर है, अगर आप नाम बोलते हैं तो आप देखेंगे कि नाम से प्यार कर ना करने वाले लोग उठ उठ के जा रहे हैं, वो पास नहीं बैठेंगे। कहीं बैठ के आप राम राम गाने लो, राम प्रेमी तो पास आएंगे, लेकिन राम विरोधी तुरंत उठ के चले जाएंगे। अरे राम राम गा, बीड़ी पीने वाला नहीं है, बीड़ी जगा दो तो अपने आप जगह छोड़ के चला जाएगा। लोग कहते हैं कि गुप्ता जी तो यही करते हैं, जब कोई आदमी जाता है दुकान में भीड़ लगाए और सौदा होता न देने लेने देने देने दे तो मिर्च का बोरा अपना झरियाने लगते हैं और खुद ही उठकर चल देते हैं कि हमारे कायदे का है ही नहीं। आप राम राम गाएंगे, राम विरोधी तुम्हें भगाने नहीं पड़ेंगे, तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। राम प्यारे तुम्हें बुलाने नहीं पड़ेंगे, अपने आप तुम्हारे पास चले आएंगे। तुम भजन गाओ तो संत ढूंढने नहीं पड़ेंगे, संत तुम्हें ढूंढने आने लगेंगे।